हेलो गाइस, तो क्या कैसे हो सब लोग? ठीक है, आज के करने वाले हैं, आज करने वाले हैं गो मैकेनिक की। ठीक है, जो थंबनेल में देखा स्पीकर, ठीक है, ऑर्डर ये रहा तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ठीक है, अनबॉक्सिंग करते हैं फिर। तो गाइस, हमने ना ये ऑर्डर ऑर्डर प्लेस किया था, तो ऑर्डर प्लेस किया था ये हमारा आ गया था। ठीक है, ये पड़ा है हमें, देखो यहाँ पे रेट दिख रहा है 999 का, गो मैकेनिक से आया है। ठीक है, तो इसको अनबॉक्स करते हैं फिर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे गो मैकेनिक का वो भी है, ठीक है, और 1 साल की का वारंटी है, और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सामान निकलता है। तो स्पीकर्स को निकाल लेते हैं गाइस, और ये यहाँ पे इस तरीके से कुछ पैक किए, बबल रैप चढ़ाया हुआ है, और बड़ी ना अच्छी पैकिंग मतलब इन्होंने दी है। और ये ऐसा हमें मिल जाता है, ये वारंटी, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। ठीक है, इसको स्कैन करना पड़ेगा, वो मैं दिखा दूंगा अभी। और बाकी ये इसकी जाली है, और ये अंदर एक बार, ठीक है, और इसको ना इंस्टॉल करने वाले हैं अभी, कार में इंस्टॉल करने वाले हैं। इंस्टॉल करने के बाद तब आपको बजा के दिखाते हैं। तो गाइज़, ये है वारंटी कार्ड। ठीक है, वारंटी कार्ड के लिए क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे, सीधा यहाँ से सर्च करेंगे, ठीक है, और यहाँ से सीधा इसको स्कैन करेंगे कार्ड को। टैप शटर बटन टू सर्च। ठीक है, लिखा हुआ आ गया है, देखो गो मैकेनिक। ठीक है, इसको सर्च करेंगे, ठीक है, लुकिंग फॉर रिजल्ट आ गया, HTTP गो मैकेनिक वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे अपना देखो गो मैकेनिक का पूरा आ गया, इसका मतलब ओरिजिनल है। ठीक है, स्पीकर से वारंटी के लिए यहाँ पे नेम डालना होगा, ईमेल डालना होगा, फ़ोन नंबर डालना होगा। ठीक है, वो मैं कर दूंगा गाइस, और आपको भी इसी तरीके से करना है। देखो मार्केट में अवेलेबल तो काफ़ी सारे ऑप्शन थे, बट ना वो महंगे आ रहे थे काफ़ी, 3-3 हज़ार के, 2-2 हज़ार के, और उनकी भी कोई गारंटी वारंटी 1 साल की थी और लोकल थे। ठीक है, इसमें क्या है, गो मैकेनिक है, ठीक है, काफ़ी नाम चल रहा है आजकल, एड भी काफ़ी आ रही है। इसके ऊपर जाली काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, और गो मैकेनिक का लोगो मिल जाता है। ठीक है, और ठीक है, 1000 रुपये में और क्या चाहिए। हेलो गाइस, तो आ गए हम नीचे कार में। ठीक है, और तो यहाँ पे हमने जगह पहले ही करा ली थी। ठीक है, ये कटिंग करा ली है पूरा, और ये ना लकड़ी का 400 रुपये का लिया था। ठीक है, हमने लोकल मार्केट से, वरना कंपनी से तो बहुत महंगा आ रहा था, 1500-1600 का। तो ठीक है, और तो इसमें ऐसे ना फिट हो जाएंगे स्पीकर, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको कितने अच्छे से फिट हो रहे हैं, देखो कितना अच्छे से फिट हुआ है, और जाली ऐसे इसके ऊपर आ जाएगी ईजीली। ठीक है, ये देख सकते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, और इधर भी यही ऐसे ही लगा देना है। और ना गाइस, हमने ना वायरिंग करा ली थी पहले ही, तो यहाँ पे ना तार देखो आपको दिख जाएगी, तार यहाँ पे रखी है, बस हमको ना वायर कनेक्ट करनी है। वायर कनेक्ट करने के बाद आपको इसका साउंड सुनाते हैं। ठीक है, तो गाइस इसके कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, वायर को हमने छील लिया है, तो इसमें यहाँ पे लगाना है, देखो ऐसे होल है यहाँ पे छोटा सा, इस तरीके से। ठीक है, कर देंगे। तो गाइस इसका फाइनल लुक आ चुका है, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं लगे हुए भी वो मैकेनिक। ठीक है, तो इसका साउंड चेक करते हैं, अब साउंड चेक करने के लिए स्पीकर बजाते हैं। तो गाइज एक बार ना अंदर से कार में बैठ के साउंड सुना देते हैं, क्योंकि ये जब बंद होगी तो तभी बेस बनेगा, क्योंकि नीचे खुला हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं कार के अंदर फिर, यहाँ पे बैठ के ना साउंड सुनते हैं। ठीक है, और कोई फिल्मी गाना इसलिए नहीं चला सकते दोस्त, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। ठीक है, तो NCS का ही चलाएंगे।
गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।